नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पे। आज मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग यूट्यूब पे बताते हैं, और उसके थ्रू बहुत सारे लोग लाखों रुपए की अर्निंग भी करते हैं। आपको मैं पूरा प्रोसेस ए टू जेड बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एक एक स्टेप को फॉलो करना, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के। आपको एक भी रुपया अपने जेब से खर्च नहीं करना, और इस प्रोसेस का फॉलो करके आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आपको इस प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज के वीडियो में जो भी आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ, उसमें आपको कोई हार्ड प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको कहाँ पे क्लिक करके वो चीजें करनी है ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सको। और इस प्रोसेस में आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में आपको AI की हेल्प से ऐसे वीडियो बनाना सिखाऊंगा जो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वो प्रोसेस फॉलो कैसे कर रहे हैं वो लोग। तो मैं आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिसमें आपको कोई स्किल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। सिंपल जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, उसके थ्रू आप लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आपको उस प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है, ऐसा कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना स्मार्ट AI मनी, या फिर smartAImoney.com पे विजिट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल आपको इस वाली वेबसाइट विजिट करना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट AI टूल, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको YT शॉर्ट जनरेटर का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको ध्यान से फॉलो करना, नहीं तो आपको स्टेप मिस कर दोगे बीच में, तो आपको बाद में कोई इश्यू आ सकता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलेगी जिसपे आप अपना वीडियो बना सकते हो, जैसे यहाँ पे साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, वेलनेस के बारे में। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना, यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिलेगी, और नीचे आपको यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट दिखेगी जिसको अपन कमांड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे आपको सेकंड प्रॉम्प्ट दिखेगी। यहाँ पे आपको कमांड लिखी हुई मिल जाएगी जिसमें आपको राइट, और कैटेगरी में आपको जो भी कैटेगरी दे रही है यहाँ पे ऊपर, उनमें से किसी एक कैटेगरी को चूज करना है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी की जगह उसका नाम लिखना है। इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कमांड लिख रखी है जिसमें आपको कैटेगरी की जगह दिख रहा होगा क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। तो सिंपल आपको यही वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है, जैसे ये वाली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको गूगल पे चले जाना है वापस, और यहाँ पे आपको सर्च करना है ChatGPT। ChatGPT सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट विजिट करना है, और यहाँ पे आपको सिंपल लॉगिन कर लेना, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना है, और आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है मैसेज ChatGPT, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो भी आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसको यहाँ से हटाना है, और इसकी जगह आपको यहाँ पे इनमें से कोई भी कैटेगरी लिख देनी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, तो इन कैटेगरी का यूज करके आप हजारों वीडियो बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल 10-15 वीडियो बनाने को मिलेंगे, इस कैटेगरी का यूज करके आपको यहाँ पे हजारों वीडियोस बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से कोई भी कैटेगरी चूज कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसके बारे में मेरे को फैक्ट लिखवाने हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, जो भी लिखा है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिख रहा है सेंड मैसेज वाला, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और ये हिंदी में आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह लिख के दे देगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो इसने यहाँ पे अपने को फैक्ट लिख के दे दिए हैं, तो सिंपल आपको यहाँ से इन सभी फैक्ट को कॉपी करना है। एक बार आप मैन्युअली पढ़ भी सकते हो, इनमें कोई एरर तो नहीं है, ऐसा प्रोसेस आपको कर लेना है। अब सिंपल आपको इसी को इंग्लिश में लिखवा लेना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंग्लिश में क्यों लिखवाना है इसको। तो सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है, और वापस लिखना राइट इन इंग्लिश, और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सेम चीज आपको इंग्लिश में लिख के दे दिया, जो कि आपके ऊपर लिखा हुआ है ये हिंदी में है, और इसको इंग्लिश में लिख के दे दिया है। सिंपल आपको इंग्लिश वाले को कॉपी करना है, आप चाहो जिसको भी कॉपी कर सकते हो। पहले मैं आपको इंग्लिश वाले को कॉपी करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको इसको यूज करना है। उसके बाद में आपको वापस चले जाना है गूगल पे, और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट ओपन करना है जिसका नाम है 11lab। यहाँ पे आपको सर्च करना है 11labs.io, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी सीधा विजिट कर सकते हो। मैं जो भी चीजें यूज कर रहा हूँ उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से सीधा आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट फॉर फ्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपनी ईमेल आईडी चूज करनी है, और आपको ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने कुछ चीजें जनरेट करा रखी है, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको ये सारी चीजें करनी है। तो पहले आपको ये वाला यहाँ से कॉपी करना है इंग्लिश वाला, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 656 वर्ड का अपना आर्टिकल है, तो इसको यहाँ से छोटा कर लेता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिखा था अगर वो 600 वर्ड से ज्यादा होगा तो वो वीडियो अपना लॉन्ग फॉर्मेट में हो जाएगा, अपने को यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाने हैं। तो इसके लिए मैं लास्ट वाली लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ,
तो यहाँ पे ये अपना आर्टिकल 600 वर्ड के नीचे नीचे हो गया है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी वॉइस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अलग अलग आदमियों की अलग अलग आवाज सुनने को मिलेगी, तो सिंपल आप प्ले पे क्लिक करके उनकी आवाज भी सुन सकते हो। आपको जो भी आवाज अच्छी लगे उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एडम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये एडम की वॉइस सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आप चाहो तो सेटिंग वगैरह हमको चेंज कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पे चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये ऑडियो जनरेट करा है, तब तक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 10,000 वर्ड की लिमिट मिलती है, लेकिन आप डिफरेंट जीमेल आईडी का यूज करके यहाँ पे लिमिट बढ़वा भी सकते हो। जैसे एक आईडी से आपको यहाँ पे 10,000 की लिमिट मिलेगी, तो जैसे आपकी लिमिट खत्म हो जाए आपको जीमेल आईडी चेंज कर लेनी है, तो यहाँ पे आपको और ज्यादा लिमिट मिल जाएगी। तो ऐसा करके आपको यहाँ पे अलग अलग जीमेल आईडी यूज करनी है और आपको यहाँ पे लिमिट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अपना ऑडियो जनरेट हो चुका है, मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। नेचुरल ब्यूटी मेनी स्पीशीज रेजिडिंग इन वाइल्ड, तो यहाँ पे अपना ऑडियो कंप्लीट है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है और आपका ऑडियो डाउनलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको हिंदी वाले के साथ करना है, क्योंकि हमने पहले इंग्लिश में लिखवाया था, अब हमें हिंदी में लिखवाना है, मतलब हिंदी में इसको बुलवाना है। तो सिंपल आपको यहाँ से वापस कॉपी करना है और यहाँ पे जाके इन सभी को डिलीट कर देना है और वापस हिंदी वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हिंदी वाला पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 647 वर्ड दिखा रहा है, लेकिन अपने को लास्ट वाली लाइन हटानी है ताकि अपने को 600 वर्ड के अंदर अंदर जो भी चीजें होगी वो मिल जाएगी, ताकि अपना जो भी वीडियो होगा वो लॉन्ग फॉर्मेट में ना होकर शॉर्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है वापस। प्राकृतिक सौंदर्य वन्य जीव और प्राकृतिक स्थलों में उसके बाद में इसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके यहाँ पे दोनों ऑडियो कम्प्लीट हो चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश का। अब बात करते हैं कि इनको वीडियो में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे आपने ऑडियो तो बना लिया, स्क्रिप्ट भी लिख ली, लेकिन इसको अगर वीडियो में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक वेबसाइट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है ल्यूमन 5। ये फ्री वेबसाइट नहीं है, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप फ्री में यूज कर सकते हो। तो सिंपल आपको सर्च करना है ल्यूमन 5, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी सीधा विजिट कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट विजिट करना है और यहाँ पे आपको साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको फ्री में साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फुल नेम इंसर्ट करना और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। तो मैं एग्जांपल के तौर पे अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस, फुल नेम और पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको स्किप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, और यहाँ पे आपको इनबिल्ट टेम्पलेट मिलेंगे। तो सिंपल यहाँ से आपको किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं ये वाला करता हूँ। उसके बाद आपको फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस तरह का वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे आपको 9:16 पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिखेगा वॉइस ओवर, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको वापस यहाँ पे ड्रैग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंग्लिश वाला ऑडियो चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपने दो ऑडियो बनाए थे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश वाला चूज कर लेना है। उसके बाद में अपलोड पे क्लिक करना है, तो ये ऑडियो के हिसाब से अपने को यहाँ पे फोटो वगैरह दे देगा, तो वो अपने आप इसके साथ सिंक हो जाएगा, तो अपना वीडियो बनके कम्प्लीट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे इसने पूरा वीडियो बना के दे दिया है। सिंपल आपको यहाँ पे पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप चाहो तो इसमें कुछ एडिटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल आपको यहाँ पे पब्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है, ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। तो सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वीडियो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इसके लिए सिंपल डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दो फॉर्मेट मिलेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ से कॉपी करना है, देख जाना और यहाँ पे आपको वापस पेस्ट कर देना है। तो आपका वीडियो बनके तैयार हो चुका है, ये आपका वीडियो इंग्लिश में है। अब इसको हिंदी में करना होगा। हिंदी के लिए आपके पास ऑडियो पहले से ही है और वीडियो भी बना हुआ तैयार है, तो सिंपल आपको इस वाले वीडियो में जो भी आवाज होगी उसको बंद करना है और आपको यहाँ पे हिंदी वाली आवाज लगाना और आपका वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये वेबसाइट फ्री में नहीं है, लेकिन इस वेबसाइट में जो आप वीडियो बनाओगे वो फ्री में बना सकते हो। तो इस वेबसाइट का सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे जो भी अकाउंट है वो बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आप कोई भी जीमेल आईडी यूज कर सकते हो और आपको यहाँ पे 5 वीडियो फ्री में बनाने को मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपल आपको एक जीमेल आईडी यूज करनी है, 5 वीडियो बना लेने, उसके बाद आपको दूसरी जीमेल आईडी यूज करनी है और वहाँ पे आपको 5 वीडियो बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा।
और इसके लिए आप किसी भी फेक आईडी का भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको अपनी जीमेल आईडी का यूज करना, आप किसी की भी आईडी का यूज कर सकते हो और आपको यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सिंपल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल एक जीमेल आईडी का यूज करो, 5 वीडियो बनाओ, उसके बाद दूसरी जीमेल आईडी का यूज करो, 5 वीडियो बनाओ और अकाउंट को चेंज करते जाओ। तो ऐसे करके आप हजारों वीडियो बना सकते हो सिंपल इस वेबसाइट का यूज करिए कम्प्लीटली फ्री। उसके बाद में बात करते हैं कि उन वीडियो को एडिट कैसे करना ताकि आपको यहाँ पे जो भी कम्प्लीट वीडियो होगा वो हिंदी में मिल जाए। उसके लिए सिंपल आप जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कैपकट को। आप VN, कैपकट या कोई भी जो भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दोनों को इम्पोर्ट कर लेना जो कि आपने डाउनलोड किए थे। तो यहाँ पे ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपको हिंदी वाले वॉइस भी चूज कर लेनी। तो आपको ये वाली वॉइस हिंदी में मिलेगी तो उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है। तो पहले आपको यहाँ पे वीडियो एडिट करना है, उसके बाद आपको हिंदी वाला ऑडियो एडिट करना है और यहाँ पे आपका जो भी वीडियो होगा उसका आवाज बिल्कुल बंद कर देना है। तो आपको वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी आवाज को बिल्कुल जीरो कर देना है। यहाँ से अब आपको वीडियो प्ले करके देख लेना है कि कैसा आपका वीडियो बना है। प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव और प्राकृतिक स्थलों में बसे रहने वाले अनेक प्रजातियाँ भूगोलिक सौंदर्य को बढ़ाती है। बायोडायवर्सिटी, भारत में विशाल जीव विविधता से भरी हुई है जिसमें विभिन्न प्रजातियाँ और वन्य जीव शामिल हैं। सजी तो यहाँ पे आपको अपनी ऑडियो और वीडियो को एक साथ बराबर कर लेना है तो अपना वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में सिंपल आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना तो आपका वीडियो बनके तैयार हो चुका है। तो सिंपल आपको इस वीडियो को यूज करना है और आपको नया यूट्यूब चैनल बना के वहाँ पे अपलोड कर देना। आपको कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी है इसमें। इसमें सिंपल आपको 3-4 वेबसाइट का यूज करना है और वहाँ पे आप सिंपल ये काम करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करने के और भी प्रोसेस जानने हैं, और भी तरीके जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जहाँ पे आप सिंपल ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके। तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।